एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके हाथ रोशनी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। बहराइच में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक ने रोडवेज बस को मारी टक्कर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 15 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनाएं जताई है। जानकारी के अनुसार बहराइच लखनऊ हाईवे पर बुधवार की सुबह जरवल रोड पे घाघर घाट स्टेशन के पास जयपुर से बहराइच आ रही डिपो को बस ने टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची जरवल पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवाया है। वहीं भीषण सड़क हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, एएसपी केशव कुमार चौधरी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। भीषण सड़क हादसे में ट्रक चालक समेत 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं इस हादसे में 15 से अधिक लोग गंभीर रूप में घायल बताए जा रहे हैं। इसमें से आधा दर्जन की हालत गंभीर है। ऐसे में मौत का आंकड़ा और बढ़ता ही जा रहा है। बॉलीवुड के वो सितारे जिन्होंने अनाथ बच्चों को लिया गोद, रवीना टंडन। रवीना टंडन 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में शुमार है। अपने अभिनय के जरिए उन्होंने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है। एक शानदार एक्ट्रेस होने के साथ साथ रवीना टंडन एक बेहद शानदार इंसान भी है। रवीना टंडन ने 21 साल की उम्र में 2 बच्चियों को गोद लिया था। उन्होंने दोनों बच्चियों को एक नई जिंदगी दी थी। रवीना टंडन ने अपनी बेटियों का नाम पूजा और छाया रखा था। रवीना ने दोनों बेटियों को काफी अच्छी परवरिश दी, उन्होंने पढ़ाया लिखाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस अपनी दोनों बेटियों की शादी भी कर चुकी है। रवीना की बेटियां खुशहाल जिंदगी बिता रही है। सुष्मिता सेन पूर्व ब्रह्मांड सुंदरी और शानदार एक्ट्रेस है। सुष्मिता सेन आए दिन मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई रहती है। निजी जिंदगी की बात करें तो सुष्मिता अविवाहित है, हालांकि वह 2 बेटियों की सिंगल मदर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुष्मिता ने दोनों बेटियों रेने और अलीशा को गोद लिया था। दोनों बेटियों पर शूर रूप अपनी शान लुटाती है। सोशल मीडिया पर भी वह एक्टर इनके साथ फोटो शेयर करती हुई नजर आती है। मिथुन चक्रवर्ती अनाथ बच्चों को नई जिंदगी देने की लिस्ट में मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती के 4 बच्चे हैं, जिसमें से उन्होंने अपनी छोटी बेटी दिशानी को कूड़े के ढेर से उठाया था। मिथुन चक्रवर्ती ने इस बच्ची को अपना नाम दिया और शानदार तस्वीरें भी शेयर की हैं। सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस सनी लियोनी ने वर्ष 2017 में महाराष्ट्र के लातूर से एक बच्ची को गोद लिया था। इस बच्चे का नाम उन्होंने निशा और वेबर रखा है। दरिया दिली सनी लियोनी को बच्ची को अच्छी शिक्षा दे रही है। निशा के अलावा सनी के 2 और बच्चे भी हैं। बॉक्स ऑफिस पर कमजोर हुई भेड़िया की पकड़। वरुण धवन स्टारर फिल्म भेड़िया की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर अब धीमी पड़ती जा रही है। पहले वीकेंड पर जब ठीक ठाक कमाई करने वाली इस फिल्म में कलेक्शन के लगातार गिरावट की दर्द हो रही है। आइए जानते हैं कि इस फिल्म के टिकट खिड़की पर अब तक कितने करोड़ का कारोबार किया है। निर्देशक अमर कौशिक की स्त्री के बाला और जिसी जैसे सुपरहिट फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि इस फिल्म में से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। इस फिल्म के पहले दिन ही 7.47 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। हिंदी भाषा में फिल्म ने 7.37 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और तेलुगु में 10 लाख का बिजनेस किया था। अब फिल्म के 5वें दिन में कलेक्शन भी सामने आ गया है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को फिल्म ने 3.50 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इसके साथ ही भेड़िया का कुल कलेक्शन 36.90 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। बता दें कि यह फिल्म 60 करोड़ के बजट में तैयार हुई है। फिल्म के वरुण ने अलावा कृति सेनन, अभिनेता बैनर्जी और अभिषेक बैनर्जी और दीपक डोबरियाला की भी अहम भूमिका निभाई है। वर्क फ्रंट की बात करें तो यह इसके बाद वरुण धवन बवाल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का निर्देशक नितेश तिवारी कर रहे हैं। वही कृति सेनन अगले साल आदि पुरुष में दिखने वाली है। इस फिल्म का निर्देशक तन्हाजी फेम मोम
राउत ने किया है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।